बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिक व असहाबिक या नूरल्लाह। क़ियाम पाकिस्तान का हकीकी मकसद क्या था? क़ियाम पाकिस्तान का हकीकी मकसद ये था कि एक ऐसा खिताए ज़मीन हासिल किया जाए जहाँ पर हकीकी तौर पर इस्लाम को नाफिज किया जा सके, और उसके पीछे एक ही सबब कार फरमा था और वह है दो कौमी नज़रिया। सामिन ज़ीवक़ार, हम आपको दो कौमी नज़रिए के मुतालिक बताएँगे कि दो कौमी नज़रिया दर हकीकत है क्या। दो कौमी नज़रिए से मुराद ये है कि मुसलमान एक अलग कौम है और मुसलमानों के अलावा तमाम मज़ाहिब के मानने वाले एक अलग कौम है। मुसलमानों का रहन सहन, रस्म व रिवाज, मुआशरती और मुआशी तकाज़े दीगर मज़ाहिब के मुकाबले में मुख्तलिफ हैं। इसी वजह से क़ियाम पाकिस्तान की ज़रूरत पेश आई और बुज़ुर्गों ने कलेदा वतन हासिल करने के लिए जी तोड़ कोशिशें की और जानों के नजराने पेश किए, और यूँ बिल आखिर पाकिस्तान हासिल कर लिया गया।